बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ बीफ मेंस सेवरी केक। सबसे पहले पैन में 1/4 कप ऑयल ले लें। अब इसमें 1/2 केजी बीफ का कीमा लेकर इसे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ फ्राई कर लें, जब तक बीफ का पानी ड्राई ना हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दें। पानी डालकर इसे गलने के लिए छोड़ दें। अब ग्रीन चटनी बनाने के लिए ग्राइंडर में 1 लहसुन छीलकर डाल दें, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट डालें, 5 टेबल स्पून लेमन जूस ले लें, 20 से 25 हरी मिर्चें डाल दें और सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लें। अब इसमें 1 बंच धनिया और 1 बंच पुदीना का डालकर पीस लें। ग्रीन चटनी तैयार है। 3 से 4 शिमला मिर्चें ले लें, इसमें से कुछ को स्लाइस कर लें और बाकी सबको चॉप कर लें। इस तरह से आप केक को असेंबल करने के लिए ब्रेड स्लाइसेस ले लें। इसको इस तरह से अरेंज करके रख दें। अब चीज़ सॉस स्प्रेड कर दें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप कीमे की लेयर लगा दें। आप केचप स्प्रेड कर दें। इसके बाद ग्रीन चटनी डाल दें, इसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं है। अब दोबारा से ब्रेड लगा दें। सेकंड लेयर की स्टफिंग के लिए एक खीरा लेकर चॉप कर लें, थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड करें, थोड़ा सा चीज़ सॉस ऐड करें, एक बॉयल एग इसे चॉप करके डाल दें। थोड़े से पिकल्ड कोकम्बर और हैलापिनोस ले लें, इसे चॉप करके डाल दें। वन टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड करें। टू टेबल स्पून केचप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसे ब्रेड पर डालकर स्प्रेड कर दें। लास्ट में चीज़ सॉस से इसे कवर कर दें।
चॉप्ड शिमला मिर्च से इसे गार्निश कर दें। मज़ेदार बीफ सैंडविच केक तैयार है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।